हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस यही है कि आप लोग जानते हैं आज ईद का दिन है और मैं फजर की नमाज़ पढ़ कर आ चुका हूँ। उसके बाद मैं आपको कपड़े दिखा दूँ जो आज मैं ईद की दिन पहनूंगा। रेड कलर का है और ये वाइट कलर की इसकी शलवार है। क्या बात है सर। नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद नहाऊंगा, क्योंकि 2-3 साल से मेरे से ऐसा हो रहा है जब भी मैं नए कपड़े पहनता हूँ तो चाय गिर जाती है, कभी कुछ ना कुछ गिर जाता है। ऊपर से वाई तो थोड़ा बहुत एहतियात करना पड़ेगा। तो गाइस यही है कि नाश्ता आ चुका है। आज के नाश्ते में है चाय, चाय के साथ है बिस्कुट और ये है अली हसन की चाय। अली हसन तैयार होके आ चुका है। हाँ हाँ, टाइम में मैं तैयार हो जाऊंगा। तो यही है कि सबसे पहले नाश्ता कर लेते। छोटे समझ में आया क्या? तो गाइस फाइनली मैं, हाँ, इस घर में मेरे साथ ही क्यों भेदभाव होता है? तो गाइस कैसा लग रहा हूँ आप लोग कमेंट्स में बताइए। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ। मत यही है कि हम लोग अभी नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू बोला, थैंक यू। तो गाइस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग नजर लगाते हैं 800 सब्सक्राइबर पे भी। कोई घटिया तरीन इंसान। तो अभी हम लोग यहाँ से ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अली हसन, माशाल्लाह मैं मम्मा ने शादी है। अच्छा, जब भी वरना तो तुम्हारी मुश्किल थी नमाज पढ़ना। अली हसन बड़े बड़े कदम बढ़ाओ, हमें आगे सब में भेजना है इंशाल्लाह। One hour later. यही है कि हमने ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ ली है। बयान भी अच्छा था, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने दुआ में बहुत इमोशनल कर दिया था। हे अली हसन, अली हसन भी थोड़ा बहुत उसकी आँखें थोड़ी हो गई थी। तो यही है कि दुआ बहुत अच्छी कराई थी इन्होंने, माशाल्लाह। देखो थैली आ गई है। और ये देखो, इंसान तो इंसान थैली भी वीडियो नहीं बनाने देते। ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। अली हसन अब क्या करोगे? अच्छा, कुर्बानी होते हुए देखना चाहोगे तुम? हमारे घर पे नहीं जाओगे? हम कुत्तों से बात नहीं करते। और मैं घर पे जाके सो जाऊंगा। अरे कुत्ते हो तो? यही कहना तुम्हारा, ईद वाले ईद वाले दिन सब घूमते तुम छोड़े हो। तो क्या करे, सो ही सकते और क्या कर सकते हैं। तो ये स्कूल है गाइस, यहाँ पे मैं पढ़ा करता था। जैसा यहाँ पे पढ़ता था मैं, ठीक है, समझ गया। पूछो, पूरी 8 क्लास है पढ़ी है। जैसे ही मैं गली में आया था, मेरे को हसनैन भाई मिल गया। हसनैन भाई, आपका कद छोटा था, आप गले कैसे मिलोगे? अब तो मेरे से लंबे हो गए, तो मसला हो गया। अच्छा चलो, मिलते हो भाई। तीन मिलते, तमीज नहीं है? तीनों का हाथ मिलाओ। अजीब जानवर है। यानी शैतानी खत्म नहीं हुई, नमाज पढ़कर आए उसके बावजूद भी शैतानी खत्म नहीं हुई। तीन मिला दो, नहीं मिलाओ तुम बेकार। तेरे में किस बात का एटीट्यूड है? तो गाइस मेरे को यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक जानवर नहीं और भी छोटे छोटे जानवर है जो आप लोगों को दिख ही रहे होंगे। ये लोग मेरे को व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं करने देते, क्योंकि बहुत शोर मचाते। तो ये जानवर अभी कुर्बान होने जा रहा है, और इस जानवर को दिखाने का मकसद ये है कि ये जानवर काबू नहीं आ रहा था। तो गाइस ये अकेला लड़का इसको काबू करने की कोशिश कर रहा है, मोहरा पहना रहा है, और यही है कि और लोग सब देख रहे खड़े होके। गाइस फाइनली इसकी रस्सी बांध दी है सर पे, नाक पे, टांग पे। तो अब सब मिलके इसको गिराने के लिए जा रहे। 1 2 3 तो गाइस फाइनली इस गाय को गिरा दिया आएगा। अब यही है कि सब इसके ऊपर हमला कर चुके हैं, इसके ऊपर बैठ गए हैं। अगर ये किसी एक के ऊपर भी बैठ जाती तो वो बंदा किसी के ऊपर बैठने के लायक नहीं रहता। तो ये यासीन भाई ये मुसल्ला फेर रहे हैं इसके ऊपर। तो गाइस फाइनली 15 से 20 मिनट बाद ये इस गाय को कुर्बान कर दिया गया। इस गाय पे बहुत मेहनत लगी है, बहुत इसने लोगों को तंग किया है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो गाइस एक गाय की कुर्बानी देखने के बाद एक और गाय मेरे पास आ चुकी है, और थोड़ी एक जानवर मेरे पास आ चुका है, बल्कि अयान मेरे पास आ चुका है। हाँ, तो अयान भाई क्या हाल है आपके? आज आप थोड़े इंसान दिख रहे हो। तो इंसान दिख रहा आप भी? अच्छा, और ये मेरा बछड़ा है, फेफड़े गुर्दे जो जो चाहिए गाइस तो आप लोग। ओ भाई मेरा चैनल है, कोई WWE नहीं है जो तुम लोग पागलों की तरह एक दूसरे को मार रहे हो। जी भाई को सब्सक्राइब करो, सब हर व्लॉग में बोलता हूँ, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब भाई ने अगर
1000 सब्सक्राइबर हो गए तो भाई कपड़े उतार के डांस। नहीं नहीं मैं धक्की भाई नहीं हूँ। नहीं यू आर राइट ब्रो। अली भाई का साई भाई ये देखो हमसे। आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? सबसे मेन चलो आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? चलो मुदस्सिर भाई नहीं बोल रहा, मुदस्सिर भाई नहीं बोल रहा, बहुत तेज हो रहा है। तो गाइस यही है कि मैं जोहर की नमाज़ पढ़कर आज को मैं सोने ही आ रहा हूँ। मैं सो गया था तो मैंने अपनी कमीज़ उतार दी क्योंकि गाइस पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। गाइस का मज़ा लीजिए आप लोग गर्मी के साथ। तो गाइस अभी 4:15 हो रहे और यही है कि दोपहर का खाना आ चुका है। आज के दोपहर के खाने में है चावल और चावल के साथ है वही कुर्बानी का गोश्त। आज ईद उल अज़हा है तो कुर्बानी का गोश्त ही होगा। गाइस के बारे में खाना खा लेते हैं। तो गाइस अभी रात हो रही है और यही है कि मैं सो गया था। सोने के बाद एक दो काम करने थे, वो काम मैंने कर लिए। अब रात हो रही है, गर्मी बहुत लग रही है, बार बार आपको बता रहा हूँ मैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कबाब है और ये सीख बोधी है। तो बकराई का गोश्त खा लेते, दोपहर में खा चुका हूँ, उसके बावजूद दोबारा भी खा लेते। कितना भी खाए भूखा ही रहता है। तो ये कबाब खा लेते। तो आज का गाइस ईद का व्लॉग यहीं पर ही एंड करते। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे न्यू व्लॉग में।